हेलो एवरीवन, सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसका नीट का एग्जाम बहुत अच्छा गया एंड यू गाइस माइट बी वेटिंग फॉर रिजल्ट्स कि फटाफट रिजल्ट्स आ जाए, काउंसलिंग हो जाए एंड देन विल बी गेटिंग आवर मेडिकल कॉलेज, राइट? ठीक है, ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग. बहुत अच्छा लगता है जब आपका इतना हार्ड वर्क, तुम लोगों ने इतना टाइम दिया एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम को, इतना सारा टेंशन, सारी 17-17 घंटे की सिटिंग निकाल के, है ना? ऑफ कोर्स इट फील्स गुड, बट आई एम हेयर टूडे फॉर दोज जिनका नीट का एग्ज़ाम इस बार अच्छा नहीं गया. ऑफकोर्स मैं भी स्टेज पे थी ऑलरेडी पहले जब मेरा भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, है ना? सो कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ऑल फाइन. बट अब सबसे बड़ा डाउट क्या आता है कि शुड आई गो फॉर अनदर अटेम्प्ट और आई शुड चेंज द कोर्स, होता है इसके लिए ना. देखो, यू नीड टू थिंक कि तुम लोगों का पूरा एक साल जाने वाला है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग अभी जोश जोश में किया मुझे MBBS ही करना है, तुम लोग आराम से ड्रॉप ले लो और जो हरकतें तुम लोगों ने अभी की वही वापस कर लो, है ना? सी आई एम नॉट सेइंग कि तुम लोगों ने मेहनत नहीं की, मेहनत सबने की है ना, बट तुम्हें पता होना चाहिए तुम लोगों ने कहाँ गलती की है. इफ़ यू गाइज नो कि तुमने गलती किधर की है, तुम इस पर ज़्यादा वर्क करोगे. इफ़ यू गाइज नो कि भाई हाँ, मेरा केमिस्ट्री में प्रॉब्लम था, मेरा फिजिक्स में प्रॉब्लम था, बॉटनी में प्रॉब्लम था, मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी. तुम्हें अगर अपनी प्रॉब्लम पता है, एक जुनून है ना कि डॉक्टर बनना ही बनना है, देन जस्ट गो फॉर अ ड्रॉप. फाइन, देखो पूरा एक साल देना तुम लोगों को, एक साल कोई छोटी बात नहीं है, है ना? पूरा एक साल नीट की जर्नी को वापस देना, वही सारी चीज़ें, है ना, वही सारी क्लासेस, वही सारा तुम्हारा कंटिन्यू शेड्यूल जिसमें तुम्हें कंटिन्यू NCERTs पढ़नी पड़ेंगी, है ना? इफ़ यू गाइज आर रेडी कि वापस वहीं जाना है, देखो फ्रूटफुल है. क्यों है? अगर तुम लोग, तुम्हें पता है तुम्हें तुम्हारी गलती कहाँ है, तुम्हें क्या करना है, देन ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू गेट द बेटर रिजल्ट, है ना? बट अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें पता है तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, देन कोई मतलब नहीं है ना. पहले खुद के अंदर झांक के देखो, कोई दूसरा पर्सन इज नॉट गोइंग टू कम एंड टेल यू कि यार तू कर सकते या तू नहीं कर सकती, है ना? यू नो बेटर, तुम्हें पता है कि तुम्हारी एबिलिटी कितनी है, तुम क्या कर सकते हो. एबिलिटी सबके अंदर है, बट एक जज्बा होना चाहिए ना करने का, है ना? अगर तुम्हें पता है कि यार मेरी ये गलती थी इस एग्ज़ाम में, मैंने यहाँ पर या तो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े, मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी पहले, या फिर मेरा फिजिक्स वीक रह गया, मेरा बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया, सो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? अगर तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो, बिना सोचे समझे एक दिन शांति से दिमाग लगा के सोचो तुम्हें क्या करना है एंड देन गो फॉर द ड्रॉप. बात समझ में आई? देखो, डॉक्टर बनने का सोचा था तो बीच में छोड़ने के लिए तो नहीं सोचा था, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में जाके तुम्हें रिग्रेट हो कि यार एक साल दे देता तो मुझे MBBS की सीट मिल जाती, राइट? तो ये रिग्रेट माइंड में लेके नहीं जाना, एक लास्ट अटेम्प्ट दे के देखते हैं, है ना? ये सिर्फ उनके लिए, दिल से डॉक्टर बनना है, दिल से मेहनत करनी है, अभी भी की थी, थोड़ी बहुत गलतियाँ रहेगी, साथ में सॉल्व करेंगे, है ना? सो डोंट वरी एट ऑल. और हाँ, अब जो माइंड में स्ट्रेस है, सबको कैसे मनाएंगे, पेरेंट्स से कैसे बात करेंगे, सब हो जाएगा, ठीक है? अपने पेरेंट्स से बात करो. इफ़ यू थिंक, सबसे पहले खुद से सोचो तुम्हें करना क्या है. इफ़ द आंसर कम्स येस कि मुझे हाँ, मुझे MBBS ही करनी है, मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे वापस ट्राई करना है, मुझे वापस अटेम्प्ट देना है, देन टॉक टू योर पेरेंट्स. फाइन, ऑफकोर्स वो मना नहीं करेंगे तुम लोगों को, यार सपना तुम्हारा है, करियर तुम लोगों का है ना? पेरेंट्स के अलावा किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऑफकोर्स यू गाइज नो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? सो डोंट थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. करियर तुम्हारा है, तुमने चूज करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, है ना? सपना तुम्हारा था तो पूरा भी तुम करोगे, कोई थर्ड पर्सन आके तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें नहीं लेके जाएगा. वी ऑल पीपल कैन इवन हेल्प यू, है ना? हर चीज़ में तुम्हें हेल्प कर सकते हैं. तुम्हें लेक्चर्स चाहिए, तुम्हें क्वेश्चंस चाहिए, इन ऑल एस्पेक्ट्स वी कैन. एटलीस्ट मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी, बट एग्जैक्ट मेहनत करनी किसको है? तुम लोगों को करनी है, है ना? अगर एक साल दे रहे हो तो एक साल आइसोलेट हो जाओ बिल्कुल भी. आइसोलेट मतलब क्या? फ़ोन, फैमिली फंक्शंस, हर चीज़ से दूर, किधर भी नहीं जाना. एक रूम है, एक तुम्हारी टेबल है, तुम्हारी बुक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं. अगर इस बार शांति से निकाल दिया तो उस दिन, जिस दिन तुम्हारा नीट का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा, जब 650 प्लस स्कोर होगा ना, उस दिन शांति मिलेगी कि यार वो एक साल जो दिया वो बेनिफिशियल था, है ना? तुमसे कोई नहीं पूछने वाला यार नीट के बाद, मैंने भी तो ड्रॉप्स लिए ना. मुझसे किसी ने पूछा कि यार तूने कितना ड्रॉप लिया, या फिर अगर
फ्यूचर में जब मैं डॉक्टर बनूंगी, क्या पेशेंट आके मुझसे पूछेगा कि तूने कितने ड्रॉप लेके उसके बाद नीट क्लियर किया था? नहीं ना, डॉक्टर इज डॉक्टर, फाइन। सो इतना नहीं सोचने का। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें MBBS की सीट चाहिए और वो सीट के लिए तुम्हें मेहनत करनी है। एक ये एग्ज़ाम पास करो। अरे आगे बहुत एग्ज़ाम्स है यार, बात समझ में आई? डोंट वरी एट ऑल। अभी के लिए सबसे पहले खुद से सोचो क्या तुम कर सकते हो। तुम्हारे में इतनी हिम्मत है ना, तो बाकी सब छोड़ दो, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, शांति से सोचो क्या करना है। एंड हाँ, वी ऑल गाइज आर विद यू, टेंशन नहीं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।